बिहार विधान परिषद में स्थानीय निकाय प्राधिकार के कटिहार के चुनाव में हमारे सशक्त उम्मीदवार श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में हैं और पूरा एनडीए एकजुट है और कटिहार का यह सौभाग्य है कि पंचायती राज प्रतिनिधि जितने भी नव निर्वाचित हैं सबों ने ठाना है कि अशोक कुमार अग्रवाल को जिताना है। आरजेडी और ये कांग्रेस भी उम्मीदवार नहीं, देखिए इस बार बिहार में 2400 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत दर्ज करने वाले। बिहार के स्थानीय नगर निकाय प्राधिकार एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल 2022 को होना है, जिसमें कटिहार में भी चुनाव होना है। कटिहार में एनडीए के अलावा राजद और कांग्रेस ने भी मैदान में अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। पिछले 2 बार से एमएलसी रहे अशोक कुमार अग्रवाल इस बार तीसरी बार अपना भाग्य को आजमा रहे हैं। हालांकि चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार अशोक कुमार अग्रवाल के प्रचार में बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने कटिहार आकर नव निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बीच अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं। उसी क्रम में कोढ़ा प्रखंड के झिकटिया गांव में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कर नेताओं के द्वारा अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष में वोट मांगा गया। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, स्थानीय सांसद सहित कई विधायक और प्रत्याशी अशोक अग्रवाल मौजूद थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, प्रत्याशी अशोक कुमार अग्रवाल को सशक्त उम्मीदवार बताते हुए इनकी तीसरी बार विधान परिषद में स्थानीय निकाय प्राधिकार के कटिहार के चुनाव में उम्मीदवार हैं और कटिहार का सौभाग्य बताते हुए कहा कि सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों ने ठाना है कि अशोक कुमार अग्रवाल को जिताना है। वैसे भी इस बार बिहार में 2400 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पिछले 15 वर्षों से लगातार काम किया है इसलिए वोट मांगने आए हैं। ऐसे में कटिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव काफी रोचक दिखने लगा है। अब देखना है त्रिकोणीय मुकाबले में एमएलसी पद किस पार्टी के झोली में जाता है। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। मैंने कहा कि ये लोकतंत्र में सम्मान बढ़ाने वाला पद है विधान परिषद, ये अपर हाउस होता है। विधानसभा जो होता है वो लोअर हाउस है और विधान परिषद अपर हाउस माना जाता है, वहां ऊंचे लोग जाते हैं। तो अब अशोक अग्रवाल जी को आपको वोट देकर अपर हाउस में फिर से भेजना है सर, और स्वाभाविक है कि ये तो नेता का चुनाव है ना, ये जनता से वोट नहीं है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा सिर्फ वोट देना है साथियों। माननीय सांसद विधायक भी विधान परिषद के सदस्य भी इसमें वोट करेंगे, लेकिन ये नेता के द्वारा एक नया नेता चुनने की प्रक्रिया है। तो आप समझ लीजिए आपका कितना महत्व है। 5 तरह से विधान परिषद में लोग जाते हैं साथियों, और हम लगभग 19 जगह पर गए हैं, 24 जगह का चुनाव चल रहा है, और जिस तरह का माहौल हमने स्थिति पूरे बिहार में देखा है साथियों, पिछले 18-19 दिन से मैं यही काम कर रहा हूं। और क्वेश्चन भी सभी सांसद विधायकों का रहता है, तो हम लोग कभी जमा खान जी को, कभी नितिन नवीन जी को, कभी तारकिशोर जी को भार देकर बिहार में चीजों को देखने का काम कर रहे हैं। और हमको जो भरोसा है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 24 में से 2400 उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं, और स्वाभाविक है अब गांव और शहर को फर्क को खत्म करना है। कटिहार लोग जाते होंगे